सालगिरह मनाने के कई तरीके होते हैं और दसवीं तो और भी स्पेशल होती है, और सैमसंग ने इस सेलिब्रेशन को और भी स्पेशल बना दिया है क्योंकि वो लेकर आए हैं गैलेक्सी S10 सीरीज में 3 नए फोन्स। दिस इज मयूर ऑन हाईटेक। इस सीरीज में सैमसंग ने 3 फोन लॉन्च किए हैं, गैलेक्सी S10e, S10 और S10 प्लस, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं S10 प्लस। सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक। डिस्प्ले बहुत अच्छा है, ग्लॉसी है और फिनिश भी बहुत अच्छी है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत शाइनी है और इसकी फिनिश, लुक एंड फील एकदम गैलेक्सी नोट 9 की तरह है। इसमें बस एस पेन नहीं मिलेगा आपको, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज द सेम। और राइट साइड में आप पावर बटन देख सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, वॉल्यूम ब्लॉकर्स हैं अप एंड डाउन, और बिक्स भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा मार्केट में, बटन इज स्टिल देयर। और फोन के नीचे यू कैन सी पे हम ये देख सकते हैं कि 3.5 mm हेडफोन जैक अभी भी है, जो काफी लोगों को खुश कर सकता है। इट मेड मी हैप्पी। और USB-C पोर्ट जो फास्ट डेटा ट्रांसफर और फास्ट चार्जिंग दोनों के लिए है। प्राइमरी माइक और स्पीकर ग्रिल नेक्स्ट टू इट। और फोन के ऊपर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट की जगह है। मैं आपको सिम दिखा देता हूँ। इट्स अ हाइब्रिड स्लॉट, इसका मतलब या तो आप ड्यूअल सिम यूज कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। दैट्स हाउ इट इज। इसको वापस फोन में रखते हैं। और S10 प्लस में 6.4 इंच का HDR प्लस डायनेमिक एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, जिसमें इन स्क्रीन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और ये लेटेस्ट कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड है। सैमसंग के S10 फोन्स पहले ऐसे फोन्स हैं जो क्वालकॉम की अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हैं, और ये साउंड वेव्स के जरिए आपके फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करते हैं, और ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित है। तो अब देखते हैं कि हमारा सेल्फी गेम कितना स्ट्रांग हो सकता है इस फोन से। फ्रेम की डेप्थ को अच्छे से कवर करने के लिए यहां पर 2 फ्रंट कैमराज हैं, 10 megapixel और 8 megapixel। वैसे ये दोनों कैमराज डिस्प्ले पर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें आप इसको नॉच के पीछे कवर कर सकते हैं। और फोन के पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 16 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 12 megapixel के कैमराज हैं, जिसमें से एक टेलीफोटो लेंस है। और इस पूरे फोन को सपोर्ट करता है एक्सिनोस 9820 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड पाई और 128 GB स्टोरेज के साथ 8 GB की रैम। मतलब परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिए, चाहे आप इस फोन को गेमिंग के लिए यूज करें या फिर रोजमर्रा चीजों के लिए। बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस होगी इस फोन की, और ये फोन 1 TB की ऑप्शन में भी अवेलेबल है विद 12 GB ऑफ रैम। और टॉप नॉच स्पेक्स के साथ साथ एक बहुत बढ़िया बैटरी का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें 4100 mAh की बैटरी है, जो आपको पूरा दिन इस फोन को चलाने में मदद करेगी। सो S10 प्लस का 128 GB स्टोरेज और 8 GB रैम वाला वेरिएंट 73,900 rupees का है, और अगर आपको और स्टोरेज और रैम चाहिए तो आपको उतना स्पेंड करना पड़ेगा। वैसे क्या ये फोन आपके लिए है? इसमें बहुत बढ़िया डिस्प्ले है, टॉप नॉच स्पेक्स है, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और इसमें वायरलेस पावर शेयरिंग है, मतलब एक फोन से दूसरे फोन में आप पावर शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, इसका टॉप वेरिएंट जो है वो 1 lakh से भी ऊपर जाता है। और बिक्सबी का बटन जो है थोड़ा अननेसेसरी है, इतना इंप्रेसिव नहीं है तो ज्यादा यूज नहीं होगा। सो नाउ यू डिसाइड। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए नवभारत टाइम्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत पता लग जाए। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिएगा।